दोस्तों हमने मंगाया है अमेज़न से पुशअप बोर्ड, जल्दी से खोलते हैं इसे और देखते हैं ये हमारे काम का है भी क्या नहीं। दोस्तों इसके अंदर से निकला है व्हाइट कलर का बॉक्स जिसपे बना हुआ है पुशअप बोर्ड हमारा, और कोने पे दोनों तरफ लिखी हुई है डिटेल जिसमें लिखा है ट्रेनिंग चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर एंड बैक, यानी ये अपर बॉडी को पूरी तरह से ट्रेन कर सकता है ऐसा इसमें लिखा गया है। चलिए जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर से निकली है ये छोटी छोटी पुशअप बोर्ड के बॉटम में लगने वाली कैप, ये है बहुत सॉफ्ट सी। दोस्तों ये इस पुशअप बोर्ड के बॉटम में लग जाएंगी और उसे बचाएंगी फिसलने से। अगली चीज जो इसके अंदर से निकलती है वो है ये पुशअप बोर्ड के हैंडल्स, ये हो जाएंगे दोस्त पुशअप बोर्ड के ऊपर अटैच। पर मटेरियल दोस्त इसका थोड़ा सा हार्ड, हो सकता है ये हमारे हाथों को थोड़ा सा हर्ट करे। इसके थ्रू हम अलग अलग एंगल्स पे लगा पाएंगे पुशअप और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ट्रेन कर पाएंगे। दोस्तों तीसरी और आखिरी चीज निकलती है वो है हमारा पुशअप बोर्ड, साथ में निकला है इलेक्ट्रोस्काई कंपनी का 100 रुपीज का कैश बैक जो हमारे किसी काम का है नहीं, काम का है तो ये हमारा ये पुशअप बोर्ड। आओ इसको खोलते हैं और देखते हैं इससे किस तरह से हम एक्सरसाइजेस लगा पाएंगे। थोड़ा सा डगमगा रहा है क्योंकि नीचे नट बोल्ट जो है वो टाइट नहीं है, इसको करना होगा पहले टाइट और नीचे लगानी पड़ेगी इसकी कैप्स जिससे ये फिसले नहीं। दोस्तों ये बोर्ड कर सकता है ओवरऑल आपकी अपर बॉडी को ट्रेन, इसके ऊपर लिखा हुआ है चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर और कर सकते हैं आप इससे बैक। अगर आपको लगानी है चेस्ट तो आपको करना पड़ेगा रेड लाइंस को फॉलो, यहां पे दे रखी हैं 1, 2, 3 और ये 4 रेड लाइंस। हम इसके अटैच करेंगे अपनी बार्स को, बार्स हो जाएंगी नीचे से अटैच क्योंकि इसके नीचे लगा हुआ है ये सॉकेट जो अटैच हो जाएगा इस बोर्ड से। इस तरह से अटैच कर सकते हैं हम दोनों तरफ से और इससे हम कर पाएंगे अपनी चेस्ट। अगर हम एंगल को बदलेंगे, इस लाइन को फॉलो करेंगे तब भी हमारी होगी इससे चेस्ट ट्रेन, इसके बाद भी अगर हम एक एंगल और बदलें तो इससे भी हमारी चेस्ट ही ट्रेन होगी। दोस्तों चौथा एंगल मिलेगा हमें ये वाला, यहां पे लगाएंगे हम इसको सीधा और इससे भी हो सकती है हमारी चेस्ट ट्रेन। दोस्तों अलग अलग एंगल से लगा के देखते हैं चेस्ट को कि क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका हमारी चेस्ट पर, तो आ जाओ। चेस के बाद आप ट्रेन कर सकते हैं अपने ट्राइसेप्स को, इसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा येलो कलर की लाइंस को जो यहां से जा रही हैं। ये है हमारा पहला एंगल जहां पे हम लगाएंगे बार्स को, उसके बाद सेकंड एंगल येलो लाइन ये जा रही है, हम यहां पे यूं अटैच कर सकते हैं इससे भी ट्रेन होंगे हमारे ट्राइसेप। तीसरी येलो कलर की बार जा रही है यहां से, हम इस तरह से भी अपने ट्राइसेप्स को कर सकते हैं ट्रेन। चौथा एंगल दोस्त हमें मिलेगा ये वाला, ऐसे भी हम कर पाएंगे अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन। और पांचवा और आखिरी एंगल हमें मिलता है ये वाला, इस तरफ से भी हम अपने ट्राइसेप्स को इससे ट्रेन कर सकते हैं। तो 5 अलग अलग एंगल मिल रहे हैं हमें हमारे ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए, तो 5 तरीके से एक्सरसाइज को लगाकर देखते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ट्राइसेप्स के बाद बारी आती है यहां पर शोल्डर की, शोल्डर के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा यहां पर ब्लू लाइंस को, ब्लू लाइंस पे कर देंगे हम बार्स को अटैच। पहला एंगल हमें मिलेगा ये वाला, दूसरी ब्लू लाइन जा रही है यहां से,
ये भी शोल्डरों करेगी ट्रेन। तीसरा एंगल हमें मिलता है ये वाला, यहाँ पे भी जा रही है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन पे जाइए और करिए अपने शोल्डर्स को ट्रेन। आखिरी जो एक्सरसाइज अपर बॉडी की हम इससे लगा पाएंगे वो है हमारी बैक मसल। बैक मसल के लिए फॉलो करना पड़ेगा हमें ग्रीन कलर की लाइंस को। तो पहली ग्रीन लाइन है ये पहला एंगल रहेगा हमारा। दूसरी ग्रीन लाइन जा रही है यहां से, ये हमारा है सेकंड एंगल। और तीसरी ऊपर की तरफ है ग्रीन लाइन, ये हमारा थर्ड एंगल बन जाएगा। तो तीनों एंगल से लगा के देखते हैं एक्सरसाइज को और देखते हैं बैक पे इसका क्या इंपैक्ट आता है। दोस्तों ओवरऑल एक्सरसाइज करके आया हमें इससे बहुत मजा, क्योंकि ये किसी भी पुशअप बार से बहुत बेहतर है एक्सरसाइज करने में, क्योंकि इसमें मिल जाते हैं हमें अलग अलग तरह के एंगल्स जो अपर बॉडी को हमारे ट्रेन करने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरी तरह से बाहुबली बना देगा, पर हाँ मदद जरूर करेगा आपको अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और पावर बिल्डअप करने में। ये था दक्षस वर्कआउट आइडियाज का एक प्रोडक्ट रिव्यू। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।